Hello and welcome back again for the operation research lectures. In this video lecture, live lecture, we are going to discuss special cases, that is unbalanced and prohibited in assignment problems. So in the modification of a plant layout of a factory BMS auto parts, four new machines, M1, M2, M3 and M4 are to be installed on a machine shop. There are five vacant places, that is A, B, C, D, and E, which are suitable for the installation. Because of extra large size, M2 cannot be placed at C and M3 cannot be placed at A. So we have a restriction ki M2 jo hai wo C ke saath hum place nahi kar sakte, yani C shop jo hai wahan pe hum nahi install kar sakte. And M3 jo hai we cannot install or place it at shop A. Right, the cost of installing machine location wise is 100 rupees as follows. So we have a restriction, and then us hisab se we will have a table. Machine A, B, sorry, shops A, B, C, D, E, and machines M1, M2, M3, M4. Now, do cheeze hai. Number one, this is an unbalanced, this is not pure square, this is rectangular problem. Theek hai? To yahan pe it is an unbalanced problem. Secondly, cost diya hai, theek hai? So it is a minimization problem. So let us find the optimal solution. Number of rows are not equals to number of columns. So problem is not balanced. In order to balance it, we add a dummy row, right? So what we'll do, we will add dummy 0, 0, 0, 0, 0 in all the shops. Now, number of rows are equal to number of columns. Now, the problem is balanced. So, when we have a balanced problem, the table looks like this. And after row minimization, table looks like this. Okay? So, jahan pe bhi dash hai, wahan pe hum M likh sakte hai. Okay? Instead of dash or blank spaces. Right? So, see. यहाँ पे A में M3 occupy नहीं हो सकता था, what we did is we wrote M, and then C में M2 occupy नहीं हो सकता था, we wrote M. So इसी तरीके से row minimization करेंगे, same methods now, and column minimization करेंगे, ठीक है? So row में एकदम कम से कम value था हमारे पास 9, ठीक है? तो रो में हम सभी को 9 से माइनस करेंगे, एंड देन कॉलम वाइज हम नया टेबल देखेंगे एंड उसमें कॉलम वाइज हम माइनस करेंगे. तो ये हो गया रो मिनिमाइजेशन एंड कॉलम मिनिमाइजेशन. अब हम जितने भी जीरोस है उनको कट करेंगे, ठीक है? ए में 0 है, कट कर दिया. अगेन ए में 2 0 है. बी कॉलम में रोज है, ठीक है. सी में रो है, ऐसे कट नहीं होगा, ठीक है. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, एंड देन हियर. पहले तो हमें ये देखना है, जब भी ये लाइंस हम ड्रॉ करते हैं ना, नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, तो जहां पे मैक्सिमम है सबसे पहले वो कट करना है, ठीक है. तो डमी रो सबसे पहले कट होगा, उसके बाद ई वाला जो कॉलम है वो कट होगा, ठीक है. उसके बाद डी कट होगा, बिकॉज यहाँ पे भी 2 है, ठीक है. लेकिन जो कट हुआ है उसे हम नहीं कंसिडर करेंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी हमने कैंसिल कर दिया है, राइट? तो पहले डमी एंड देन ई, उसके बाद सब जगह में सिंगल सिंगल है, तो हमें ये 0 को कट करना है, इसलिए एक लाइन हमने ड्रॉ किया. ये 0 को कट करना है, इसलिए हमने एक लाइन ड्रॉ किया. यहाँ पे कोई भी 0 नहीं है, बट डमी रो में 0 है, तो वो ऑलरेडी कट किया हुआ है, तो फिर से उसे कट नहीं करना है. देन डी में हमने ये वाला जो 0 है कट नहीं किया था, तो उसे हम कॉलम वाइज कट करेंगे. सो नाउ नंबर ऑफ लाइंस आर 5 एंड मैट्रिक्स साइज इज 5 × 5, सो इट इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन. एंड आफ्टर गेटिंग एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन असाइन प्रॉब्लम्स टू ऑल द शॉप्स एंड मशीन्स, ठीक है. तो जहां पे पहले सिंगल ऑप्शंस है वो पहले देखेंगे, तो M1 के लिए A चला गया, B के लिए M2 चला गया, D के लिए M4 एंड E के लिए M3. बचा कौन लास्ट में? C. सो डमी, C में एक डमी मशीन आएगा, वो हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली हमें टोटल कॉस्ट निकालना है. सो
जितने भी कॉस्ट इन 100 है वो लिखने हैं हमें. तो 900, 900, 700, 700 एंड 0 टोटल कम्स टू 32, दैट इज 3200. तो इस तरीके से वी कैन सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम्स. एंड नाउ अनदर एग्जांपल इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम. इंस्टेड ऑफ डिडक्टिंग व्हाट वी विल डू इज एडिशन. चलो लेट्स सी मैक्सिमाइजेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं. अ कंपनी हैज टू अपॉइंट वन सेल्स एग्जीक्यूटिव इन ईच ऑफ द फोर एरियाज. प्रॉफिट पोटेंशियल ऑफ एग्जीक्यूटिव इज एज फॉलोज. फाइंड ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड एरिया. जो भी ऑप्टिमल असाइनमेंट हमारे पास अवेलेबल है वो हम फाइंड आउट करेंगे. तो एरियाज है A1, A2, A3, A4. एग्जीक्यूटिव्स आर E1, E2, E3, E4. बैलेंस्ड, ठीक है, बैलेंस्ड है और कोई डमी रोज या डमी कॉलम की जरूरत नहीं है. सो नंबर ऑफ रोज आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देयरफॉर बैलेंस्ड प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन, हेंस वी प्रिपेयर अ रिग्रेट टेबल. रिग्रेट टेबल विल लुक लाइक दिस. 10, 26, 24 एंड 6. अब ये 10, 26, 24 एंड 6 कहाँ से आया वो हमें देखना है. सो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द रिग्रेट टेबल वी सेलेक्ट द हाइएस्ट एलिमेंट दैट इज 80 एंड सब्सट्रैक्ट ऑल द अदर एलिमेंट्स फ्रॉम इट. मिनिमाइजेशन में हम लोग क्या करते थे, हम लोग मिनिमाइजेशन में कम से कम नंबर वाला हम लोग चेक करते थे कॉलम में, ठीक है. अब आपको ये जो रिग्रेट टेबल दिख रहा है ये फाइनली आपको सारे रो मिनिमा एंड कॉलम मिनिमा करने के बाद दिखेगा. तो हाईएस्ट नंबर हमारे पास क्या था, 80, पूरे टेबल की बात कर रहे हैं वो लोग, ठीक है. अगेन वी विल सी. इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द रिग्रेट टेबल वी सेलेक्ट द हाईएस्ट एलिमेंट दैट इज 80 एंड सब्सट्रैक्ट ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम इट, राइट. पूरे टेबल में, नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रोज और कॉलम्स, पूरे टेबल में हाईएस्ट नंबर क्या है, 70 के बाद 80, 74, that's it. So ये 80 को हम क्या करेंगे, सारे टेबल्स में से हम माइनस करेंगे, ठीक है. सो सबसे पहले 80 लेंगे एंड देन वी विल डू रो मिनिमाइजेशन, ठीक है. उसके बाद हम कॉलम मिनिमाइजेशन करेंगे, राइट. अब कॉलम मिनिमाइजेशन करने के बाद बेसिकली हमारे पास एक नंबर जीरोज आए यहाँ पे, तो पहले जीरो डिडक्ट करेंगे, ठीक है. सो नंबर ऑफ लाइंस आर 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज आर 4. सो दिस इज नॉट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन. सो नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज वी विल लीस्ट वैल्यू फ्रॉम ऑल द अनकवर्ड एलिमेंट्स. यहाँ पे अब लीस्ट यानी कम से कम वैल्यू जो है वो हम यहाँ से लेंगे एंड सब्सट्रैक्ट 4 फ्रॉम ऑल द कवर्ड वैल्यूज. तो बेसिकली हमारे पास जो लीस्ट वैल्यू है, ठीक है, वो कौन सा है, तो 4 है, ठीक है. वो 4 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे सारे ओपन वैल्यूज से एंड ऐड करेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट से, ठीक है. तो जो भी ओपन है उसमें 4 माइनस होंगे और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है 4 एंड 8 वहां पे हम उस 4 को ऐड करेंगे. बाकी जो कट हो रहा है वो एज इट इज सेम रहेगा, सिर्फ ओपन एंड इंटरसेक्शन में. ओपन में माइनस होगा एंड इंटरसेक्शन में वो ऐड होगा. सो 4 प्लस 4 इज 8 एंड 8 प्लस 4 इज 12. Now the number of lines and number of matrix are equals. Number of lines are 4 and matrix size is 4. That is 4 rows and 4 columns. So it is an optimal solution. ठीक है. And then optimal solution मिलने के बाद हमें assignment करना है. अब एक बार optimal solution को देख लीजिए. ठीक है. ये एक final solution है हमारे पास. Zeros double है यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे भी double zero है. यहाँ पे भी double zero. तो सबसे पहले assignment A2 का होगा E4 से. बिकॉज इस E4 के रो में कोई भी असाइनमेंट के ऑप्शन नहीं है एंड देन ग्रेजुअली हम लोग वो असाइनमेंट करते रहेंगे एंड डिडक्ट करते रहेंगे, ठीक है. जीरो A1 को E1 दिया हमने, A2 को E4 दिया, A3 को E3 दिया एंड A4 को E2 दिया. इस तरीके से हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम्स किए मैक्सिमाइजेशन में एंड देन हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है 278, राइट. यहाँ पे इस मैक्सिमाइजेशन में किसी को कहीं भी डाउट है तो दे कैन आस्क और एल्स वी विल चेक अनदर प्रॉब्लम.